想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一集第一集到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准地捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺地纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。आखिर कर क्या रही हो तुम? तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करना और किनशी को इन सब से दूर रखना। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मेरे पीछे ये सब क्यों किया? शांत हो जाओ। तुम मुझे ये सब समझाने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तुम प्रोसिक्यूटिंग अटर्नी हो, तुम्हें ही इस केस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटेजी से जिससे बचना गंभीर परिणाम हो सकता है, वो भी क्लाइंट के हिसाब से ही होता है। और अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जल्दबाजी करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। मैंने कब जल्दबाजी की? वो हादसा कमरे के अंदर हुआ था। अगर गलती से भी याओ याओ इसके लिए जिम्मेदार है, तब भी हमारे पास कोई सबूत नहीं। पर इंडिपेंडेंट विटनेस तो है ना? वो मिस्टर डुआन। और क्या? उसका याओ याओ से क्यों झगड़ा हुआ था पता है? क्यों? उसने होटल रूम में जाकर रूम सर्विस को बुलाया। जब वेटर कमरे में गया, वो नंगा खड़ा था। पता है इसे क्या कहते हैं? ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसी बेबुनियाद अफवाहों पर यकीन कैसे कर सकते हो? ये कोई बेबुनियाद बातें नहीं है, और ये सिर्फ तियांगहांग में हुआ एक हादसा नहीं था। पूरी इंडस्ट्री में ये सब लोग जानते हैं कि वो किस तरह की हरकतें करता है। वो जिस भी होटल में जाता है वो यही करता है। याओ याओ ने ही उस पर हमला किया था। अगर तुमने उसकी बात मानकर गवाही दे दी तो पता है अंजाम क्या हो सकता है? जो भी हो, इसे 3 दिन हो गए हैं, अभी होटल वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसमें हम भी फंस सकते हैं, हमें इसे सुलझाना होगा। देखिए, मैं कोई सेटलमेंट नहीं करना चाहती हूँ। वो ने मुझे बताया था कि चेंगेन हुई सबसे बेस्ट लॉ फर्म है, आप मेरी मदद कर सकते हैं, और आप लोग भी मान गए थे, और अब आप चाहते हैं कि मैं उनसे सेटलमेंट कर लूँ। इंसाफ की आड़ में आप लोग ऐसे बुरे कामों को बढ़ावा दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सच में, अगर आप लोगों को मेरी मदद नहीं करनी थी तो मुझे बता देते, मैं किसी दूसरी लॉ फर्म के साथ बात कर लेती। शांत हो जाओ डोंगना। जब हमने मिलकर इस पर चर्चा की तब हमें लगा कि यही तुम्हारा बेस्ट डिसीजन होगा। मानना पड़ेगा तुम लोगों को, इतने दिनों में तुम लोगों ने सबूत भी ढूंढ लिया। आखिर किसके साइड पर हो तुम लोग? डोंगना, तुम हमारे क्लाइंट हो तो जाहिर है कि हम तुम्हारे ही साइड पर हैं। मिस ही, हमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरफ से सोचना पड़ता है। हमें सिर्फ ऑफेंसिव होने की जगह डिफेंसिव खामियों को दूर करके उनके नजरियों को देखना पड़ेगा, ताकि हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाए। इसीलिए हाँ, होटल वालों के पास वीडियो का ओरिजिनल वर्जन है, और अगर हमने उन पर आरोप लगाया तो वो ये सबूत अदालत में पेश कर देंगे। अदालत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीडिया जरूर इसे तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। पर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उस होटल में घायल हुई थी तो मुझे नहीं लगता कि मुआवजा मिलने में कोई परेशानी होगी। ये सब सोचने के बाद हमें लगता है कि सेटलमेंट करना ही बेहतर होगा। हरगिज नहीं, केस करो उन पर।
मिस ही। डोंगना, हम मेरे डैड से डिस्कस करते हैं, हम पियर स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। कुछ चेंज नहीं करना है, हम प्लान के मुताबिक ही जाएंगे। केस करने के बाद भी वो लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बिल्स ही पे करेंगे। हम लोग ऑलरेडी इसमें बहुत वक्त गवा चुके हैं, इससे आपकी पर्सनल रेपुटेशन पर भी असर पड़ सकता है, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहती हूं, पर कोई मुझे मजबूर कर रहा है। कौन? तियांहांग होटल। क्या तुमने वोंग जैसन को मेरे बारे में क्यों बताया? किन्शी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम तो सिर्फ लॉ फर्म के वकीलों के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। हम फॉर्मेशन और टैलेंट के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारा तो मैंने एग्जांपल दिया। पर मेरा ही एग्जांपल देने की जरूरत क्या थी? अरे तुम्हारे अलावा मैं किसका एग्जांपल दे सकता, वो तो मुझे बताओ। यहाँ की बेस्ट लॉयर तो तुम ही हो ना। और क्या क्या बताया है तुमने उसे? और कुछ नहीं, मैंने बस सवालों के जवाब दिए। देखो एक बात सुन लो, मैं इतना समझता हूँ कि क्या बोलना है और क्या नहीं। ओके, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ अच्छा बोलूंगा, जैसे कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, राइट? और हाँ, और तुम्हारा हस्बैंड बिजनेस टाइकून है, और करियर के लिए तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो, फिर भी तुम एक दूसरे से लॉयल हो। तुम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस करती हो, इसीलिए तुम सक्सेसफुल हो, है ना? क्या तुम्हारे साथ कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती? दुश्मन तुमसे प्यार से बात कर ले, उतना ही काफी है तुमसे सब उगलवाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकती, मेरी जुबान फिसल जाती है। और फिर किसने कहा कि मिस्टर वोंग हमारे दुश्मन है? वो तो हमारे दोस्त है। यहाँ सिर्फ डोंगना के केस की बात नहीं है, उसे हमारा दोस्त बनने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्यों उन्होंने यहाँ स्टडी करने के लिए किसी को भेजा है। इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टमेंट के बीच बहुत सारी चीजें होती है, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो उसका हस्बैंड हम में इन्वेस्ट क्यों करेगा? इतना काफी नहीं है। अरे सर, आइए आइए आइए, बैठिए। तो खैर, मुझे याद है कि मिस्किन ने मुझे बताया था कि क्लाइंट भले ही अपराधी हो या फिर विक्टिम हो, पर वकील हमेशा उन्हें एक जैसे ही देखता है, यही उनकी जिम्मेदारी है। और एक इन्वेस्टर होने के नाते से मुझे सिर्फ एक ही बात कंसिडर करने जैसी लगती है, कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है भी या नहीं, ये उनकी कमाई की क्षमता और विकास की संभावना पर निर्भर करता है। इस पर मिसेज हु की मैडम टैंग से बात हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मिस किन का इस केस में इतना कॉन्फिडेंस कम क्यों है। तुम्हें कुछ ऐसा तो नहीं पता जो तुम अभी बोल नहीं पा रही हो? मैं इस केस की इंचार्ज नहीं हूं। इस तरफ प्लीज। ठीक है, मैं सहमत हूँ। डोंगना, हमने जो तय किया है वही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, मेरा यकीन मानो। वो फिर इन्हें बाहर तक छोड़कर आओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। देख लिया ना, सब कुछ ठीक चल रहा है। और कुछ पूछना है? बिल्कुल। यू गाइस कंटिन्यू, मैं चलता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं। मिस्टर वोंग को शायद तुम्हारे बारे में कुछ बात करनी है। मुझे काम के बारे में बात करनी है। ठीक है, आप लोग कीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ तो बताइए मिस्टर वोंग। मिस किन, मुझे लगता है तुम्हें मुझे लेकर कुछ हिचकिचाहट हो रही है, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकती। ये झूठ है। मेरी नजर में तो तुम एक ऐसी औरत हो जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बखूबी जानती है, बस तुम्हें प्यार से बात करना नहीं आता।
हमें फ्यूचर में बहुत लंबा समय एक दूसरे के साथ गुजारना है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे अगली बार थोड़ा सा प्यार से पेश आना। तो आप कहना चाहते हैं कि इसके पीछे किसी एक का हाथ नहीं है? बिल्कुल, मैं भी तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस वक्त क्या क्यू जियांग जियांग ने यांग हुआ से हाइबोबायोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाया था? हाँ। आप उस वक्त उसके लिए गवाही देने वाले थे, तो ऐन मौके पर सारा दोष उसी पर क्यों डाल दिया? तुम एक अच्छी लॉयर हो मिस्किन, लेकिन तुम्हारा ये सवाल ही गलत है। मुझे जवाब चाहिए। जवाब बहुत आसान है। अगर मैंने सच बोल भी दिया होता तब भी कुछ बदलने वाला नहीं था। आखिर हम सब लोग मिस्टर क्यू के लिए काम कर रहे थे और मिस्टर क्यू को बचाना हम सबका फर्ज था। और फिर बॉस के लिए दोष को अपने ऊपर लेना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। और मिस्टर क्यू हम सबको बहुत अच्छे से रखते थे। मिस्टर क्यू नहीं होते तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। और फिर यांग हुआ जैसे बच्चे को ऐसा मौका बार बार कौन देता? हमारी इंडस्ट्री बाहर से कितनी भी ग्लैमरस दिखती हो, पर हमारी अचीवमेंट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। यांग हुआ उस वक्त बहुत छोटा था, उसमें ये बात की समझ नहीं थी। कमाल है, आप इतनी ओछी हरकत इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। किंची, तुम्हारी इंटेलिजेंस के सामने मैंने जो किया उसकी कोई औकात नहीं है। उस वक्त मैंने जो कुछ भी किया था उसका मुझे गर्व है। अगर मुझे दोबारा ऐसा करने का मौका मिलेगा तब भी मैं बिल्कुल यही करूंगा। ओके, मैं समझ गई। और कुछ कहना है? बिल्कुल, फिर से मैं वही कहना चाहूंगा, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करता हूं। ओह, अगर तुम्हें यांग हुआ की फिक्र हो रही है तो वो भी हमारे साथ चल सकता है। मैं तुम दोनों को डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूं, वो भी एकदम सच्चे दिल से। मुझे अब भी लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। किंची, यांग हुआ इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत टैलेंटेड है। तुम्हें नहीं लगता उसके जैसा टैलेंटेड लड़का अगर घर में बेकार बैठा रहेगा तो उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा? मैं सच में उसकी मदद करना चाहता हूँ। किसने कहा कि यंग हुआ बेकार है? वो बिजी है। किंची, ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इतनी भी बड़ी नहीं है और ना ही इतनी छोटी है। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितनी सारी बातें पता है। पर एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई है, तुम्हें ऐसे इंसान को फेवर क्यों करना है जो एलीट्स के लिए काम ही ना करता हो? लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मुझे लगता है तुम ये सब सिर्फ अपने घमंड को बढ़ावा देने के लिए कर रही हो। ओह, और मुझे क्याओ ने बताया था कि तुम्हारी और यांग हुआ की शादी किसी फॉरेन कंट्री में हुई है और तुम्हारा एक बच्चा भी है, क्या ये बात सच है? इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, तुम्हें इतने सारे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं इन सारी कड़ियों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इन सब में एक सवाल है जिसका बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। किससे पूछ सकता हूँ मैं? मैं ये सवाल मिस टैंग से पूछ लूँ? मिस्टर वॉन्ग, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ओ, अच्छा, गलत फहमी हुई है? हो सकता है। मिस किन, फिक्र मत करो, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, वादा करता हूं। वक्त तुम डिसाइड करो, जगह मैं करता हूं। पर इस बार अगर तुमने मुझे निराश किया तो आगे तुम खुद समझदार हो। एक बात बताओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम अब तक नाराज हो? सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही हो रहा है, तो मैं क्यों नाराज होंगी? मैं डोंगना का केस नहीं लड़ने वाला हूँ। लेकिन क्यों? ये केस अब उस पड़ाव पर पहुंच गया है कि उसे किसी को सौंप देना चाहिए। पागल हो क्या? मुझे पता होता कि तुम ये केस नहीं लड़ने वाले हो तो मैंने डोंगना को शेंगन हुई में नहीं बुलाया होता। तुम बहुत अच्छी हो, पर वो नहीं, तुम्हें एक केस लड़ना ही पड़ेगा। अब तो सब कुछ साफ हो गया है, जब हमारी जीत पक्की है तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो? मैंने पापा ने इतनी मेहनत की है और वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए।
अब हंस क्यों रहे हो? ये बहुत छोटा केस है, मुझे इससे बड़े केसेस लड़ने हैं। तुम पहले तो कितने समझदार थे, फिर अब क्या हो गया? मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहती थी, पर अब मुझे तुमसे ये कहना ही पड़ेगा। मिस चैंग ने मुझे वादा किया है कि अगर तुमने हु पिंग के इस केस को सॉल्व कर लिया तो वो तुम्हें पार्टनर बना देंगी। उन्होंने ये कब कहा था? थैंक यू। वूफे ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी जब डोंगना का केस दिया था। जरूरी नहीं कि परिवार के सभी लोग समझदार हों, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी बातों में समझदारी है। काओ जिन्हों ही उनका होने वाला दामाद है तो वो लोग उसी के बारे में सोचेंगे। हाँ, ताओ जून हुए नसीब वाला है जो उसे ऐसी लड़की मिली है, उसका भविष्य बहुत अच्छा है। क्या सोच रही हो? बताओ क्या सोच रहे हो? आपकी सोच मुझे गलत रखती है मिस हुई। छोड़िए, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मिस डोंगना के केस में सबूत ढूंढूंगी, और मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ पता है। तो आप ही का काम पूरा करने के लिए मुझे ताओ जुनहुई के करीब जाना पड़ा था। पता है, पर तुम दोनों के बीच में सच में सब कुछ खत्म हो गया है। मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है। बिजनेस करने वाला रिश्तों से सबसे ज्यादा डरता है, उसे जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बड़ी फर्म्स के बॉसेस को ही देख लो, वो सब कितने समझदार होते हैं। वो बातों में तेज तर्रार होते हैं और वो बहुत कुछ देख चुके होते हैं। चाहे वो कितने ही बूढ़े हों या कितने ही सफल क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी उम्र से छोटी लड़कियों को मिलना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें डेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता है कि रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए। हाँ सही कहा, मैंने ऐसे कम से कम 1000 डिवोर्स केसेस हैंडल किए होंगे, पता है मुझे ये सब। ये कहना आसान है और सुनने में उससे भी आसान लगता है, पर ये सब आदमियों को अच्छा लगता है, औरतों को नहीं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा रिश्तों में बह जाती हैं। उन्हें सबसे पहले प्यार हो जाता है, चाहे वो कोई वर्क प्लेस हो या फिर कोई कमर्शियल कॉम्पिटिशन। मेरा और यंग हुआ का रिश्ता तो हमेशा बहुत ही अच्छा रहा है, हमारी आपस में काफी बनती है और हमेशा यूं ही बनी रहेगी। हाँ हाँ हाँ, अब जब तुमने ये बात छेड़ ही दी है तो मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। ताओ अकेला नहीं है जो वूफे का फायदा उठा रहा है। बोलो ना, क्या चाहती हो तुम? किन्शी को निकाल दो। इसमें हंसने जैसा क्या है? आप ये कर पाओगी या नहीं ये बताइए। तुम्हें तो पता ही होगा कि हमें डोंगना के केस से कितना फायदा हो रहा है, पर क्या तुम ये जानती हो कि किन्शी की वजह से हमें सालाना कितना फायदा होता है? इस केस के लिए तुम मुझे कॉम्पिटेंट स्टाफ को फायर करने के लिए कह रही हो, तो मुझे बताओ मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? डोंगना का केस तो बस एक शुरुआत है। वैसे आपको पता है कि उसका हस्बैंड कौन है? कौन है वो? कोई ऐसा है जिसे आप बहुत चाहती हो। तो ये केस आपके लिए इसलिए इतना खास है क्योंकि उसके पीछे कोई राज छुपा है और आपने उसकी बात मान ली। हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं तो तुम्हें तो पता चल जाना चाहिए। मुझे ना ही पॉलिटिक्स खेलना आता है और ना ही लोगों की पीठ पर वार करने की आदत है। चूंकि वो तुम्हें निकालना चाहती है तो मैं तुम्हें भी उससे लड़ने का मौका दूंगी, वरना ना इंसाफी होगी। इसीलिए आपने मुझे वोंग जेसन से मिलवाया। वो उससे प्यार करती है, मैं नहीं, मैं उससे कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे कास्टिंग काउच में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? डोंगना डिवोर्स ले रही है। हे डोंगना डिवोर्स ले रही है? अब तक नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हट करेगी। उसकी लॉयर लियांग वेहोंग है। मिस लियांग, फिर तो ये सच ही होगा। शायद इसीलिए वोंग जेसन ने कहा कि डोंगना के इस केस का इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब समझ गई ना? तो तुम अब भी चाहती हो कि मिस्टर वांग को असिस्ट करने के लिए किसी और को भेजूं? तुम इससे पहले कभी कोर्ट नहीं गए हो ना? तो जाहिर है कि तुम नर्वस होगे। लीदाए केस लड़ने में माहिर तो है, पर मैं तुम्हारे साथ होंगी। बस जो भी बोलना बिना डरे बोलना, बाकी मैं देख लूंगी। ये केस अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास है, तो सामने वाले भी तुमसे सवाल पूछेंगे, तो तुम सिर्फ अपनी बात कहने पर ध्यान देना, बाकी किसी चीज पर ध्यान मत देना। नहीं, मैं ठीक हूं। तुम पे भरोसा है। विटनेस को बुलाइए प्लीज। मिस्टर यांग हुआ, आपके रेज्यूमे के हिसाब से इससे पहले आप कनाडा में हेंगली फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में काम करते थे, वहां आपकी जॉब प्रोफाइल क्या थी? मैं फंड मैनेजर था। क्या आप प्रोसिक्यूटर विटनेस के आइडेंटिटी का स्वीकार करते हैं? जी नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, इसलिए हमें विटनेस की गवाही की निष्पक्षता पर शक है। अब कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, सभी विटनेसेस अपना बयान सामने रख सकते हैं। सब खड़े हो जाइए। इस मामले में विवाद का मुद्दा है कि याओयाओ ने अपना वादा पूरा किया। होटल मैनेजर के तौर पर मेहमानों की सेवा करने के लिए अगर उसने कंज्यूमर के हक पर हमला करने जैसा अनुचित व्यवहार किया है। इस मामले में विवाद का मुद्दा ये है कि क्या डिफेंडेंट के पास जमा किए हुए शेयर्स को बेचने की कोई ठोस वजह थी? इसका सही जवाब वही लोग दे सकते हैं जिनके पास ऑपरेशंस के बारे में सही नॉलेज है। प्रतिवादी के लिए मेमे हेल्थ केयर में होल्डिंग्स को बेचने का निर्णय सही है। तुम पर मिस डोंगना ने दबाव डाला था क्या? वो मेरी गलती थी। मुझे सूट रूम से जाने के लिए कहा गया था। मैंने देखा कि मिस याओ की किसी कस्टमर के साथ लड़ाई हो रही है। उन्होंने मुझे उस कस्टमर को रोकने के लिए कहा था। उन्हें शायद मेरी वजह से चोट लग गई होगी। बेफुजुल की बातें मत करो टोंग। साइलेंस, गवाहों पर दबाव डालने की कोशिश मत करो। आपके द्वारा दिए गए मेमे हेल्थ केयर के एनालिटिकल रिपोर्ट के आधार पर मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वो डिफेंडेंट के निष्कर्ष से मिलता जुलता है। मेडिकल एस्थेटिक इंडस्ट्री में स्टाफ की संख्या बहुत ज्यादा होती है, पर जिस तरह से रिपोर्ट दिखाई गई है, मेमे हेल्थ केयर ने लगातार 3 सालों तक अपना टर्नओवर 50% से कहीं ज्यादा बढ़ाया है। इतनी अच्छी सेल्स कंडीशन हो तो स्टाफ की संख्या इतनी कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब मेरे क्लाइंट पर गलत इल्जाम लगाया है। उस दिन मिस याओ ने मुझे कॉल करके प्रेसिडेंटल सूट्स में भेजा था, ये कहकर कि कस्टमर बहुत ज्यादा गुस्से में है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कस्टमर जख्मी है। मिस याओ ने कस्टमर को जल्द से जल्द ट्रांसफर करने को कहा। तुमने उस कस्टमर को अस्पताल में क्यों नहीं भेजा था? कस्टमर बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो गाड़ी में बैठना नहीं चाहती थी, वो वहां से भाग रही थी। मिस याओ ने भी उसका पीछा किया। उन्होंने कहा कि कस्टमर ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया है, और फिर मैंने अपनी असिस्टेंट को बुला लिया। मिस्टर यांग, आपके पिछले एनालिसिस के हिसाब से शेयर्स का टर्निंग पॉइंट जल्द ही आएगा, क्या ये सच है? विवाद की जड़ ये है कि क्या इस तरह का डेटा मेरे क्लाइंट के प्रेडिक्शन और डिसीजन की रैशनैलिटी का समर्थन करता है। शेयर्स में इन्वेस्ट करने में हमेशा अनसर्टेनिटी रही है। आपको और कुछ कहना है? नहीं। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। ये ऑनर, मेरे पास एक सबूत है। जो कार कस्टमर्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है उसमें ड्राइव रिकॉर्डर्स होते हैं, और उस रात को जो भी हुआ होगा उसमें रिकॉर्ड हुआ है। वो देखने के बाद हमें सच पता चल जाएगा। डिफेंस लॉयर, आप कोई और सबूत पेश करना चाहते हैं? योर ऑनर, हमें कोई सबूत पेश नहीं करना है। ये मेमे हेल्थ केयर द्वारा दी गई कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट है। मेमे हेल्थ केयर ने अपने 17% स्टाफ को कम करने की बजाय 17% पर्सनल्स में बढ़ोतरी की है। मिस्टर यांग, बताइए
अगर आपने डेटा रिपोर्ट को देख लिया होता तो क्या आप हिस्सा बेचते? उस वक्त नहीं बेची होती, क्योंकि शेयर्स कोई ब्लू चिप नहीं होते। मुनाफा अनप्रेडिक्टेबल होता है कोई भी डेटा मिलने से पहले, लेकिन जो मुनाफे की दिशा दिखाता है वो जरूरी है कि हाल ही में किया गया हो। मैं सही था, किसी ने मेरा डेटा बदल दिया था। मैं सही था योर ऑनर, मैं सही था, मैं सही था। नया सबूत सामने आने की वजह से कोर्ट की कार्रवाई यहीं मुलतवी की जा रही है। फिक्र मत कीजिए, मैं गारंटर को पेश करने की अपील करूंगी। थैंक यू मिस ली, थैंक यू। थैंक यू। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। रुको थोड़ी देर, बाहर अभी रिपोर्टर्स होंगे, थोड़ी देर बाद चली जाना। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सबसे पहले आपने हमला किया था, हमें इसके बारे में कुछ और बताएंगे? मेरी तरफ से मेरे वकील बात करेंगे। अब बता सकते हो हमला किसने किया है? हाँ। अभी मैं किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ। हेलो मामा, आपको मेरा फ्लाइट नंबर याद है? बिल्कुल याद है। तुमने खाना खा लिया? खा लिया, अब मैं बुक पढ़ने जा रही हूँ। क्या आपको और कोई बात करनी है? नहीं ठीक है, तुम पढ़ाई करो। मामा लव्स यू। आई लव यू टू। मिस याओ, डोंगना आपकी अगली फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैं अगले 2 दिनों में मेरे नए फैमिली ड्रामा की शूटिंग के लिए हैंगजाओ जाने वाली हूँ। उसे खत्म होने में 4 महीने लगेंगे। अरे वो याओ याओ नहीं हूँ। अरे क्या कहा तो सही, मैं याओ याओ नहीं हूँ, तो फिर क्यों मुझे रोक कर रखा है? और तुम ये कैमरा नीचे करो। कौन सा यूनिट से हो तुम? और मेरी फोटो खींच कर क्या करोगे? मेरी बात सुनो, कैमरा नीचे करो। अरे देखो क्या कर रहे हो, मैं लॉयर हूँ। अरे ये लॉयर कह रही है आपको? अरे देखो वो जा रही है। अरे वो निकल गई, अरे वो निकल गई, वो देखो गाड़ी में।杨光，得空，去喽，我们那边走。यहां क्या करते हो? शायद उन्हें तुम्हारे घर का पता चल गया है, तो सेफ्टी के लिए तुम्हें थोड़ी देर किसी और जगह पर रुककर आगे के बारे में सोचना चाहिए। जल्दी चलो, चलो यहाँ से निकलते हैं। क्यों जाएं शायद को रास्ते में हार्ट अटैक आ गया है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तुम लोग अस्पताल में जाओ, मैं यहीं उतर जाती हूँ। सीधे घर चली जाना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू मिस ली, थैंक यू। याओ याओ,
या सुनो ना, देखो बस 2 साल की ही तो बात है। 2 साल? तुम 2 साल कनाडा में रहोगे और रेजिग्नेशन दे दोगे? यहाँ जो भी कमाया सब गवा दोगे? और अगर मिस्टर किन ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवा दी अपनी बेटी से? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं उनकी बेटी से शादी करने नहीं बल्कि काम करने। मैं तुम्हारी झूठ सुन सुन कर थक गई हूँ। तुम्हें बस अपनी और अपने करियर की पड़ी है। तुम्हारे जैसा इंसान अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता है। छोड़ो। याओ। हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दो कि शायद जियान शियान को अल्जाइमर भी है। क्या? तुम्हें ये कैसे पता चला? मिस्टर वांग, यंग हुआ को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये बहुत साल पहले की बात है, पर वो अब तक नहीं भूला और वो गिल्टी भी है, तो मैंने उसे चलने के लिए फोर्स नहीं किया। आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं ये जूस पी लेती हूँ और इस बात के लिए आपसे माफी भी मांग लेती हूँ। मिस किन, आप जिस तरह मुझसे माफी मांग रही हैं, वो मेरे लिए काफी नहीं है। अभी तो हमें बहुत सारा काम करना है। कुछ दिनों में तो आपको हमारी फर्म के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, तो अब आपको और मुझसे क्या जानना है? मिस किन, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ जानना चाहती हैं। नहीं, मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मिस टैंक मिस्टर हो को बहुत मानती है। किसी से भी जबरदस्ती डील करवाना सही नहीं है, उसकी भी तो अपनी मर्जी होनी चाहिए। मिस किन, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर वांग, अगर आप इतने स्मार्ट हैं, तो जरा अपने आसपास तो देख लीजिए। पर मैं तो तुमसे बात कर रहा हूँ मिस किन। मुझसे? समझ गई। आप पहले भी मुझे इस बारे में बता चुके हैं। मैं एक बात आपको साफ साफ बता देती हूँ। शेंगेन हुई ऐसा लॉ फर्म है जो इंडिविजुअल कैपेसिटीज के बारे में सोचता है। एक कॉम्पिटेंट इंसान के लिए कस्टमर रिसोर्सेज का होना ज्यादा फायदेमंद होता है। मिस किन, मुझे तुम्हारी बोल्डनेस सच में बहुत अच्छी लगती है। तुम अभी जो कर रही हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम झूठ बोलने में मुझसे बहुत आगे हो, इसलिए मुझे हमेशा तुमसे बात करने का मन करता है। मेरे लिए तो तुम्हारा करियर या शादी कुछ भी मायने नहीं रखता है। मेरे लिए तो तुम्हारी कीमत अमूल्य है। मैं समझ सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तारीफ में और भी बहुत कुछ बोलें। मैं सब कुछ नोट कर लूंगी। और आप मैडम टैंग से भी कहना कि मुझे प्रमोशन दे दें। नहीं, प्रमोशन तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है, चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। मिस्टर वांग, मुझे लगता है आपकी बातें सुनती रहूं। देखिए ना, हमें मिले कितने कम दिन हुए, फिर भी आप मुझे कितना समझते हैं। पर आपको ऐसा क्यों लगा कि अगर मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकती हूं? मिस किन, तुम स्मार्ट तो हो, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे खास बात, तुम ऐसी औरत हो जिसे डिजायर्स और एम्बिशंस हैं। बस तुम वो सब कुछ बाहर किसी को ज्यादा दिखाती नहीं हो। चेंग एन हुई में तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। तुम्हें खुले आसमान की जरूरत है। किन्शी, 11th फ्लोर कोई दुनिया का सबसे टॉप फ्लोर नहीं है, उससे ऊंची और भी बहुत मंजिलें हैं। तुम्हें अब्रॉड जाकर देखना चाहिए कि वहां के एलीट लोग किस तरह की लाइफ जीते हैं। आपका मतलब है मैं अब्रॉड जाकर लॉयर बनूं? नहीं मिस किन, लॉयर बनना ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, हार्वर्ड लॉ स्कूल के बच्चों को ही देख लो, उन्हें तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी कोई काम नहीं दे रहा है। असली नसीब का ताला तो बिजनेसमैन के हाथों में होता है। पर मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ नहीं पता है? मुझे तो पता है ना। मिस्टर वांग, आप मुझे बिजनेस करना सिखाएंगे? खैर, चेंग इन हुई के बाद मेरा अगला प्रोजेक्ट ज्यूरिख में है। वहां भी मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। रुकिए। इसके बारे में मुझे पहले यंग हुआ से पूछना पड़ेगा। अरे मिस किन, तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए उससे पूछना पड़ता है? मुझे एक बात बताओ, तुम कितनी होशियार और समझदार हो, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में तुम्हारी समझदारी कहाँ चली जाती है?
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर तुम्हारी जगह यांग हुआ मेरे सामने बैठा होता ना, तो वो बेझिझक मेरे साथ चलने के लिए मान जाता। सच में आप यांग हुआ को इतना अच्छा जानते हैं? वो ऐसा लड़का है क्या? मैं अभी के यांग हुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर पुराना वाला यांग हुआ। आखिर वो बेहतर फ्यूचर की लालच में वो हर तरह की रिस्क लेने को तैयार था, और उसने क्या कुछ नहीं किया अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ब्रेन एमआरआई का रिजल्ट आ गया है। पेशेंट के टेम्पोरल लोब की कार्य क्षमता कम होने लगी है, और उनके ब्लड टेस्ट में एरिसेप्ट नाम का एक्टिव इंग्रेडिएंट मिला है, और वो इससे काफी समय से जूझ रहे थे। हम लोग इनके ट्रीटमेंट दो हिस्सों में करने वाले हैं, जिसमें से एक है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। थैंक यू। तुम्हें कैसे पता कि क्यों जांगशान को यह बीमारी थी? हर मुकदमे में जब मैं गवाह बनता हूं तब मुझसे पूछा जाता है, और मुझे उनकी पिछली बातों को याद करके बताना पड़ता है। वो हमेशा कहते थे कि उनका फैसला सही था, पर वजह कभी नहीं बताते थे। मैं सिर्फ अनुमान ही लगा सकता था, जो ये है कि उन्हें खुद कभी वजह याद ही नहीं आई। हमेशा उनके डॉक्यूमेंट सेम रहते पर उनके फैसले नहीं। क्यों जियानशान को अपने परिवार और बच्चों से कहीं ज्यादा उन्हें अपने काम से लगाव था, इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना, किसी ने सोचा नहीं था कि ये एक दिन ऐसे गिर पड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है? मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इससे बाहर निकाला। अगर आज मैं वहीं पर होता तो शायद मैं भी उनके जैसा ही बन गया होता। चाहे कुछ भी हो, तुमने हमेशा मदद का हाथ आगे बढ़ाया, नहीं तो क्यों जांगशांग का सच में इससे भी बहुत बुरा हाल होता। वैसे तुम याओ याओ को कैसे जानते हो? यकीन नहीं होता कि यांग हुआ ने तुमसे ये बात छुपाई कि वो मिस्टर क्यू का दामाद बनने वाला था, तो जाहिर है तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि उस समय वो सिंगल नहीं था। उसकी जिंदगी का पहला प्यार उसकी बचपन की दोस्त थी। क्या बात है, क्या बात है। घर आते ही मुझे इतनी अच्छी खबर सुनने को मिल रही है कि मिस्टर ताओ, मिस्टर वू, मिस्टर मा, तुम लोगों ने बहुत ही मेहनत की है। आज की शाम तुम्हारे नाम। ओ या। अरे लाओ ये जाम तुम सब के नाम पर। मैंने इसे कुछ नहीं किया है, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ये सब डोंगना की वजह से हुआ है, जिसकी इंडस्ट्री में रेपुटेशन इतनी अच्छी है, इसलिए हमारा प्लान इतनी अच्छी तरह से कामयाब हो गया। बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूँ कि ये जाम मिस ही के नाम हो जाए, क्या कहते हो सब लोग? चलो चलो चलो, कम ऑन। थैंक यू गाइस। मिस ही, तुम्हारी आखिरी फिल्म कौन सी थी? मेरी आखिरी फिल्म फैमिली ड्रामा। क्या बात है, फैमिली ड्रामा कहा था ना मैंने,
मेरी फेवरेट है। क्या नाम था, क्या नाम था बस? वो मैं नहीं बता सकती, सीक्रेट। नहीं, 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 अरे बताओ ना, बताओ, बताओ, अरे हम सबसे क्या छुपाना, नहीं बताएंगे प्लीज, हाँ बताओ। अरे बताओ, ये केस खत्म भी दो। हमने सेलिब्रिटी के साथ एक भी फोटो तो नहीं खींची, तो मैं आज तैयार होकर आया। चलो चलो, फोटो तो लेते हैं, चलो चलो, तुम भी आ जाओ, चलो सबके पीछे चले जाओ, चलो सब रेडी हो, सब लोग चीयर्स। अभी भी अस्पताल में हो? निकल गए। उसने निकलने से पहले मेडिकल फीस भी खुद ही पे कर दी और सर्जरी की फीस भी। भगवान ईमानदार दोस्तों का इम्तिहान क्यों लेता है? मुझे हमेशा लगता था कि यांग हुआ क्यों जिंगशांग से बहुत नफरत करता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो उनके लिए गवाही देने के लिए तैयार हो गया। मुझे नहीं लगा था कि वो इतना सब करेगा। और मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, ये तो नफरत को भी प्यार में बदल सकता है। किंची, तुम लोग आखिर डिवोर्स कब तक ले रहे हो? यांग हुआ को और कितने दिनों तक अपने पास रखने का प्लान है तुम्हारा, बताओ? मेरे बैंक अकाउंट में मैंने कुछ सेविंग्स रखी हुई है। कोई काम की बात नहीं है तो मैं फोन रखती हूँ। नहीं नहीं, आज याओ याओ का केस का ट्रायल था ना, ये तो पता होगा ना तुम्हें? पता है। तो तुम्हें उसकी कंपनी के बारे में भी पता होगा ना? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता है? मैंने सुना है कि पैसों के लालच में आकर उसने चेंग एन हुई को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, तुम्हें पता है? ही दोंगना तुम लोगों को टैंग हैंग के साथ मिलाकर उसे सेट करने के लिए कितने पैसे दे रही है। टैंग ये हुई पैसों के लालच में अंधी हो चुकी है और उसके लिए वो खुद को भी बेच सकती है। तुमने खुद अभी अभी चेंग एन हुई छोड़ा है और अब हम पे ही अटैक कर रही हो। किनशे, तुम किसी से मिलती जुलती नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं पता है। तुम खुद ही ताओ जुन हुई से पूछ लो ना। वैसे भी ये बात याओ याओ ने मुझे खुद बताई है। तुम याओ याओ को भी जानती थी? मैं उसे नहीं जानती थी, पर मैंने सुना है कि उसके पास लॉ की 6 डिग्रियां हैं। मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव खबर देती हूं। यांग हुआ और याओ याओ एक दूसरे को जानते हैं, उन दोनों में दोस्ती है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम्हें ये बात पता है? बताओ मुझे। वैसे तुम्हारे साथ यांग हुआ की असली रिलेशनशिप नहीं है और मैं तुम दोनों के बीच में कोई दरार नहीं डालना चाहती हूँ, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। लेकिन अगर तुम्हें इससे ज्यादा कुछ पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना, मुझे गॉसिप बहुत पसंद है। हेलो,
पीछे ना, पीछे ना, ना।